टू सोनू गॉट फार्म फ्रॉम पंजाब। आज हमारे पास रमीज़ भाई अहमदनगर से आए हुए हैं, ठीक है, जो कि आज हमारे को बीटल की कुछ जानकारी हमारे को देंगे, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीटल है अमृतसरी, अभी हालांकि इसकी जो भी इसकी पहचान है वो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीटल अभी पंजाब में बहुत ही कम मिलता है, रेयर मिलते हैं। और ऐसे बीटल नियर अबाउट आप पकड़ लीजिए कि कम पाए जा रहे हैं, क्योंकि कैसा है कि इसकी जो मिक्सिंग हो रही है आज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बकरियाँ जो भी है, हैदराबादी बकरा जो है, इससे बहुत सारी बकरियाँ बीटल की क्रॉस होकर उसकी नस्ल नहीं बन पा रही है। तो देखिए आज ये जो अमृतसरी जो बकरा है, तो ये जो बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप सब तरीके से इसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी इसको हम जांच लें कि इसकी जो आँख होती है, ठीक है, इसकी आँख पूरी सफ़ेद होगी माशाल्लाह, प्योर जो अमृतसरी होगा, ठीक है। उसके कान जो हो गए नियर अबाउट आप कान देख लीजिए माशाल्लाह 17 से 18 इंच, जो प्योर बीटल होता है उसके कान देखिए आप ऐसे होते हैं, उसकी चपलान और लंबाई देखिए कान की माशाल्लाह। उसके बाद में इसकी जो जितने भी जो स्ट्रक्चर है पूरा इसका बॉडी का अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी देखिए आप बहुत ही बढ़िया है। तो इस हिसाब से बीटल होता है और इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है ब्लैक, कि आप देख सकते हो कि इसकी हर स्ट्रक्चर पे आप देखो ऐसे स्ट्रक्चर मिलना, ये ओल्ड अमृतसरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड अमृतसरी ये अभी बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, ओल्ड अमृतसरी मिलना ये बहुत कम होता है। और इसकी आप हर चीज़ें आप देखो माशाल्लाह, हर चीज़ें इसकी बहुत ही बढ़िया है। इसके दांत भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दांत पे बकरा आ जाए, तो रमीज़ भाई जैसे आपने बताया कि बीटल की क्या क्या निशानी है, जैसे ये बकरा है ये कितने दांत पे है ये? अभी देखिए ये बकरा है 4 दांत का बकरा है, अब देख सकते हो, देख सकते हैं भाई जान आप, ये 4 दांत बकरा है जैसे रमीज़ भाई ने आपको दिखाया है। और रमीज़ भाई इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हाइट है 45 इंच। अच्छा, क्या हम इसको प्योर बीटल कह सकते हैं? यस यस 100%, ये 101% प्योर बीटल है भाईजान। अच्छा, ऐसा बीटल अभी मार्केट में पंजाब में, पूरे पंजाब में ऐसे बीटल नहीं है अभी फिलहाल में अमृतसरी। क्या रमीश भाई जो बीटल का कलर होना चाहिए वो कल ब्लैक होना चाहिए? टोटल ब्लैक, नागरा, शेरा, ये मक्का चीनी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो अमृतसरी आता है, ठीक है, उसके बाद में नागरा बीटल आता है, ठीक है, उसके बाद में शेरा बीटल आता है, ठीक है, उसके बाद में मे भी उसके बाद में जो आता है वो मक्का चीनी, ठीक है। मक्का चीनी जो बीटल होते हैं वो अपने साइड में कम मिलते हैं, बहुत पंजाब पाकिस्तान इस साइड में वो ज़्यादा पाया जाता है। और अपने जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं जैसे कि पंजाब में अमृतसर है, मलेरकोटला के कुछ पोर्शन है, संगरूर है, तो इस साइड में अमृतसरी बीटल पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग ये घर घर में पालते हैं। लेकिन अभी इसकी डिमांड इसका जो मिलना है जी वो अभी पहले जैसा नहीं मिल पाता असल बीटल, इसीलिए ज़रा मुश्किल है आज बीटल मिलना मुश्किल है जी। रमेश भाई जैसे कि ये बीटल का भी काम पंजाब में बहुत ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ रहा है जी, इसको सेल करने के लिए कोई आपके पास है क्या? जी थोड़ा बताइए हमारे को कैसे सेल कर सकते हैं इसको। सेल कैसा है कि अगर आपके पास क्वालिटी है, ठीक है, अगर ऐसे नस्ल के आपके पास बकरे हैं और ऐसी प्योरिटी वाले जो बकरे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मार्केट है। मार्केट क्यों नहीं है? मार्केट इसलिए नहीं है कि आप उसका मिक्सचर मत करना, मार्केट में प्योर चीज़ बेचना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप कुछ बकरे जो है वो अगर मिक्स करके बेचते हैं, जैसे कि उसकी कोई दुगली नस्ल बनाते हैं, तो फिर उसका पैसा मार्केट में कम होता है और उसका कद लाइन लेंथ ऐसा नहीं बन पाता। अच्छा, ये चक्कर है। रमेश भाई जैसे कि ये बीटल क्वालिटी का बकरा है जी, और इसका रेट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? बस जैसे कि इसका बच्चा है जो प्योर बच्चा है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी? कम से कम आप मे भी अगर हल्के से भी बेचते तो कम से कम 10-12 हज़ार तक इसका बच्चा बिकना चाहिए जी, सेल होना चाहिए। और लार्जेस्ट टॉप मोस्ट में 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक भी इसका बच्चा सेल होना चाहिए। अच्छा रमेश भाई हमारे को ऐसे बताइए, अभी जैसे अभी हम देख सकते हैं जी कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कलर जी क्या चल रहा है बीटल का? सबसे ज़्यादा कलर बीटल का जो मेन कलर है जो अमृतसरी ब्लैक, शेरा बीटल, ठीक, नागरा बीटल, ये सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट बिकता है मार्केट में, आज भी बिकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी हाइट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ब्लड लाइन अच्छी होने की वजह से वो बकरे बिक जाते हैं।
रमेश भाई हमारे को थोड़ा ऐसे बताइए, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है जी, इनको कौन सी बीमारियां आ रही हैं, उसका इलाज क्या है थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी कैसा है कि देखो अल्लाह ताला ने जितने भी मौसम दिए हैं वो नेचुरल ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप इनको जो भी इनकी जो टॉनिक्स है, इनके जो वैक्सीन है, ये टाइम टू टाइम कीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि जो इनके जो वैक्सीन होते हैं, ठीक है, जैसे कि PPR की जो वैक्सीन है, निमोनिया की जो जो भी उनके जो ट्रीटमेंट्स है, तो वो टाइम टू टाइम आप किया कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से करते हो इसका तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए, ऐसा है। हाँ जी रमेश भाई हमारे को थोड़ा ऐसे बताइए कि जैसे इनकी गोट्स हैं जी, फीमेल्स हैं जी, उनको घर रखने चाहिए या फिर बाहर लेके जाना चाहिए, थोड़ा उसके में फ़ायदा क्या है बताइए। जैसे कि बकरियां जो होती है वो आप बाहर ही ले जाए वो भी बेटर है, स्टॉल फिट भी करते हो तो वो भी बेटर है। लेकिन अगर आप बाहर ले जाते हो तो वो बकरी जो होती है वो 12 टाइप्स के वो ये खाती है, ठीक है, 12 टाइप्स के वो जो भी होती है वो खाती है। तो उससे क्या होता है कि बकरियां जो होती है कि उनके अंदर जो भी उनको जो भी मिलना है, विटामिन जो मिलने हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे उनको घास के थ्रू से मिल जाते हैं। लेकिन जो एक घास का, जैसे कि हम मान लें कि जो भी एक घास है, जैसे कि हम एक घास खिलाते हैं, ठीक है, तो उससे बकरी जो होती है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाती है। तो उसको चाहिए कि थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए, थोड़ा घास भी, जितने भी घास है उसके हिसाब से वो खाती है। जैसे कि देखो अभी ये बेर के पत्ते हैं, ठीक है, बेर के पत्ते जैसे कि एकदम आसानी से खा रहे हैं माशाल्लाह। तो उसके बाद में जैसे नीम के पत्ते आपने लगाए सवेरे मॉर्निंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी डाइट है रोज़ के रोज़ अच्छे तरीके से, ये जो मॉर्निंग में इनको खिलाते हैं तो इससे उनका जो पेट है वो भी अच्छे से साफ़ होता है और अच्छे से वो खा लेते हैं। उस हिसाब से इनका डाइट भी अच्छा रहता है और इनका जो भी है, जैसे कि अभी बेर का पत्ता देखो, बेर के पत्ते में भी बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। तो इनमें अल्हम्दुलिल्लाह इनमें शाइनिंग आती है बकरों में और बकरियों में भी शाइनिंग आती है ये पत्ते खाने से, ये चक्कर है। रमेश भाई हमारे को ऐसे बताइए कि जैसे हमने एक ब्रीडर तैयार करना है, छोटा बच्चा जी, जी, जी। छोटा बच्चा ले लिया बीटल का, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी हाइट देने के लिए, देखिए अच्छी से अच्छी हाइट और अच्छे से अच्छे डाइट देने के लिए आप एक ही बस काम कीजिए कि उसको जितना हो सके उतना माँ का दूध पिलाइए, ठीक है। अगर वो माँ का दूध अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने भी पीता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि वो बकरा आज के दौर में कम से कम 40-41-42 के कद के में वो बकरा आराम से अदंत में या दूध आँख में आराम से अल्हम्दुलिल्लाह जाना चाहिए। जैसे कि माँ के दूध में बहुत जो विटामिन्स जो होते हैं वो बच्चे को बहुत असरदार होते हैं। तो जितना आप माँ का दूध के ऊपर, उसके माँ के दूध के ऊपर जितना भी उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत आसानी से अच्छे से ग्रो कर पाएगा। चलो ठीक है रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमने हमारे को बहुत ही बीटल के बारे में बहुत जानकारी दी, आपका थैंक यू भाई। जी 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 ओके हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू भाई।